जेपीएससी के संदर्भ में चर्चा करेंगे कि क्या जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के जिस प्रकार से परिणाम घोषित हुए हैं और जिस प्रकार से धांधलियां और गड़बड़ियां दिखाई देता हुआ प्रतीत हुआ है, लेकिन आयोग और सरकार ने कोई इस पे ठोस कदम नहीं उठा पाए, लेकिन यहाँ के छात्र और छात्राओं ने आज तक उन लोगों ने पूरा प्रयास करा है कि जेपीएससी को सीबीआई जांच करवा के रहेंगे और जेपीएससी को रद्द करना ही होगा, लेकिन सरकार और आयोग भी अड़ी हुई है। लेकिन इस संदर्भ में हम ये चर्चा करें कि क्या 7 to 10th जेपीएससी 7 to 10 फिर से प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी होगा? तो यस, हाँ, जारी होगा। इसमें फिर से प्रारंभिक परीक्षा का जो रिजल्ट रिजल्ट जारी होने जा रहा है, इस संदर्भ में अगर बात करें तो जिस प्रकार से कुछ एक छात्रों ने 50 से 55 छात्र सीरियली वाइज जो पास हुए थे, जिनकी मार्क्स 200 210 भी था, उन लोगों ने पास करा और उन लोगों के ऊपर रोक लगाई गई, लेकिन सरकार और आयोग ने अंततः इस निर्णय तक उन लोगों ने पहुंचा कि फिर से पुनः रिजल्ट जारी किया जाए, प्रकाशित किया जाए और मुख्य परीक्षा का जो संभावित तिथि थी उस तिथि पे कहीं ना कहीं विराम लगता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो इसमें जब रिजल्ट जारी होगा तो अब इसमें देखने वाली बड़ा दिलचस्प बात होगा कि क्या प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट में फिर से कट ऑफ मार्क्स डिक्लेयर किया जाएगा या फिर वही होने वाला है। तो इसमें रिजल्ट में किन व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा, इन सारी तमाम बातें हैं। तो मेरे पास जो रिलायबल सोर्सेस से जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो रही है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जब पुनः जारी होगा कुछ एक दिनों में, तो जो मेंस की मुख्य परीक्षा का तिथि जो घोषित की गई है उस पे विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है और कुछ एक समय के लिए हो सकता है इसे रोक दिया जाए और कुछ एक्सटेंड किया जाए। और कुछ एक दिनों के लिए जब एक्सटेंड किया जाएगा तो ये भी देखने वाली बात होगा कितना दिन समय दिए जाएंगे। तो आप निश्चित मान के चलें कि पीटी का जब रिजल्ट जारी होगा तो मेंस की जो एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हुई है 28 और 30 जनवरी, मुझे नहीं लगता है कि 28 और 30 जनवरी को एग्ज़ाम हो पाएगा, मेंस की एग्ज़ाम। इस पे विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब इसमें ये चीज़ बात आप जानें समझें कि क्या मुख्य परीक्षा का एग्ज़ाम का डेट कब तक डिक्लेयर किया जा सकता है जब अगर इस पे विराम लग जाएगा तो आप मान के चलिए कि फरवरी आखिरी या मार्च का फर्स्ट वीक, फरवरी या फिर मार्च, लेकिन पॉसिबिलिटी है फरवरी। मार्च मुझे नहीं लगता है, फरवरी आसपास एग्ज़ाम होने का संभावना है। तो मुख्य परीक्षा के लिए अभी जो विद्यार्थी जनवरी को टारगेट किए हुए हैं कि 28 से 30 जनवरी को एग्ज़ाम होने की संभावना है, उस पर विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है जैसे रिजल्ट की बात आ रही है प्रारंभिक परीक्षा का। और इस पर एक क्वेश्चन मार्क ये है कि इसमें किन विद्यार्थियों को मौका मिलेगा, कहना बड़ा दिलचस्प है। झारखंड की आयोग बड़ा विचित्र आयोग है। मैंने इसलिए ऐसा शब्द कहा क्योंकि पूरे भारतवर्ष में आप कोई भी राज्य की पीसीएस को आप उठा के आप देखें तो झारखंड की पीसीएस की इतनी हालत ख़राब है
अन्य राज्यों की अपेक्षा आप तुलनात्मक करके अगर आप परीक्षण करें तो आपको स्पष्ट होगा कि झारखंड के आयोग आज इतना कैसे पिछड़ गया है। तो मैं इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन झारखंड राज्य लोक सेवा आयोग को गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए मैं बार बार कह रहा हूँ 7-10 JPSC को फिर से पुनर्विचार करके या तो वो कैंसिल कर दे या तो फिर इसमें पारदर्शिता लाए। अगर पारदर्शिता नहीं लाती है तो कहीं ना कहीं आयोग में जो लूपहोल्स जो कमियां हैं किसी कमेटी के माध्यम से इसे नियंत्रित किया जाए। मैंने पहले ही एक वीडियो में कहा था तो कुछ लोगों ने कहा कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो मैंने उन लोगों से भी कहा है कि जब इस प्रकार की अगर धांधलियां हो तो कहीं ना कहीं एक कमेटी के माध्यम से इस बॉडी को भी नियंत्रित किया जा सकता है। मैंने अपने लंबे अवधि और टेन्योर में मैंने पढ़ाई के दौरान देखा है और समझा भी है बहुत गहराई से कि जिस प्रकार से किसी भी राज्य की PCS इस प्रकार से लूपहोल्स कमी को अगर निराकरण करने में सक्षम नहीं है तो उसे कमेटी के माध्यम से ऐसा किया जाना चाहिए। ये मेरा अपना व्यक्तिगत राय है। तो मैं आज इसलिए इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने ज़रूरत समझा कि मुख्य परीक्षा का जो डेट था 28 और 30 जनवरी ये डेट में भी आपका अब ना हो। अब इसके जगह अब देखिए कौन सा डेट निर्धारित किया जाता है जिससे आपको मुख्य परीक्षा की एग्ज़ामिनेशन का डेट जैसे डिक्लेयर होगा, अभी तो वही टेंटेटिव डेट ही आप मान के तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो सूचना प्राप्त हुई है ये आपका 28 से 30 तारीख को एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, ऐसा मेरे पास सूचना आ रहा है। लेकिन खैर जो भी हो तो आप तैयारी करते रहें। अगर JPSC कैंसिल नहीं होती है तो अभी तक सरकार और आयोग पूर्णतः तैयार है कि हम एग्ज़ाम लेंगे। एग्ज़ाम को लेकर के वो पूरी तैयारी कर रही है कि हम एग्ज़ाम लेंगे ही, कैंसिल करने के लिए वो तैयार नहीं है और ना प्रारंभिक परीक्षा को कैंसिल करना चाहेगी और ना मुख्य परीक्षा को रोकना चाहेगी। तो ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं JPSC पे बादल मंडरा रहा है। झारखंड के छात्र छात्राओं ने जिस प्रकार से उलगुलान करा है और जिस प्रकार से CBI से जांच की मांग उन लोगों ने रखा है, और ये सही है, छात्र छात्राओं की जो मांग है वो सही है, क्योंकि जो विद्यार्थी योग्य नहीं है और उसे आप पास करके पास अगर हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो राज्य के लिए एक खतरे का वो निशान है। क्या आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो राज्य में कितनी ईमानदारी से अपनी भागीदारी और अपने पद पे निष्ठापूर्वक वो कार्य करेंगे? मुझे नहीं लगता है। आज के ज़माने में कोई नहीं कह सकता है कि मैं एक स्वच्छ और एक ईमानदार ब्यूरोक्रेसी हूँ। आज मैं ऐसा शब्द इसलिए कहा क्योंकि मैंने इतने ब्यूरोक्रेसी को देखा हूँ के अलावा भी प्रैक्टिकली भी हमने देखा है, मुझे नहीं लगता है कि अब उनमें भी ईमानदारी बची हुई है। हाँ, लेकिन कुछ एक ऐसे ईमानदार आज भी हैं जिसमें ईमानदारी है। तो आज मैं इस वीडियो को ज़्यादा नहीं लंबा करना चाहूँगा, मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरा इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद था कि मुख्य परीक्षा 28 और 30 जनवरी जो टेंटेटिव डेट थी वो कहीं ना कहीं अब फरवरी की ओर जा रहा है। कुछ एक लोग का मानना है कि जनवरी में ही एग्ज़ाम होगा, तो मैं बता दूं अब 28 और 30 एग्ज़ामिनेशन होने की संभावना ना के बराबर लग रहा है, क्योंकि रिजल्ट फिर से जारी होने वाला है। तो आज के लिए इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।